विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रा शुरू होने के महज 19 दिनों में ही 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार के लिए लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को भी बंद कर दिया। वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा यात्रा व्यवस्थाओं के दौरान आ रही अव्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश यात्रा कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, साथ ही शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा व्यवस्था के साथ ही पेयजल संकट की भी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार यात्रा प्राधिकरण पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया। वहीं राज्य में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के साथ ही चारधाम यात्रा प्राधिकरण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की चारधाम यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा प्राधिकरण बनाकर सरकार राज्य में एक और आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। इस प्राधिकरण का कोई लाभ जनता को नहीं होने वाला है। चारधाम यात्रा में भारी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अब तक इस यात्रा में 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। रोजाना हजारों श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। सरकार के सामने लाखों की संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार आ रही अव्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन अब मुख्यमंत्री बैठक और निरीक्षण के नाम पर मीडिया की सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस बार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है, वो आगमन पिछले वर्षों की तुलना में दुगने के बराबर हो गया है। और शुरुआत के दिनों में यहाँ पर व्यवस्था बनानी थी, क्योंकि धामों की एक बेयरिंग कैपेसिटी है और वो धारण क्षमता है, उस धारण क्षमता से ज़्यादा लोग वहाँ पर हो जाते हैं तो व्यवस्था करने में, दर्शन से लेकर आवागमन में हर प्रकार से उनको भी असुविधा होती है और प्रशासन को भी उसमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत के दिनों में आप सब लोगों ने इस प्रकार का एक अनुभव हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने यहाँ के जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, क्योंकि हमारे लिए चारधाम यात्रा चूँकि महत्वपूर्ण भी है और जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं उनकी सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निर्णय सही है गलत, मेरे से पहले आप अगर त्रिवेंद्र रावत जी का जो ताज़ा बयान है उसको देख लीजिए, उन्होंने देवास्तम बोर्ड की बात कही है और ये बीजेपी है, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम में उठाया गया कदम था, बिना पंडा पुरोहितों से राय लिए बना किया गया था, डिक्टेटरशिप की बू आती थी और इसीलिए उसका विरोध हुआ। और आज जो बोर्ड आप बनाने के बाद क्यों इतनी देर, क्यों साल भर से सारे पत्रकार, सारे विपक्ष के लोग, कई बुद्धिजीवी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितनी संख्या में लोग जाने चाहिए, पर्यावरण को कितना इसका फ़र्क पड़ेगा, चॉपर्स के उड़ने से लगातार जितनी फ्लाइट्स हो रही है उसका कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, उस पर सब पे चर्चा थी। आपको बता दें कि धामी सरकार चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण के गठन पर भी काम कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कमेटी का गठन कर दिया। मुख्य सचिव के अनुसार ये कमेटी राज्य में कई धार्मिक स्थलों पर होने वाली यात्राओं के संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन का भी अध्ययन करेगी।
एक महीने के अंदर इस बारे में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार यात्रा के संचालन के लिए राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र संस्था बनाने पर विचार कर रही है। ये कमेटी यात्रा की नियमित गतिविधियों पर निगाह रखेगी, साथ ही यात्रा से जुड़े अधिकारियों को समय समय पर यात्रा के व्यवस्थित संचालन के लिए दिशा निर्देश भी देती रहेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यात्रा प्राधिकरण बनाकर राज्य सरकार में एक और आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। इस प्राधिकरण का कोई लाभ जनता को नहीं होने वाला है। सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं, चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है, तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चारधाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से, उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियाँ हैं, जो रिपोर्ट है, वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ को नियंत्रित कर पाना सरकार के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। हालांकि सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बढ़ती भीड़ से तमाम व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं। इस बीच अब धामी सरकार भीड़ नियंत्रण को लेकर यात्रा प्राधिकरण के गठन पर भी काम कर रही है। अब देखना होगा कि इस प्राधिकरण के बनने से यात्रा में कितना सुधार देखने को मिलता है।